अनाथ और बेसहारा बच्चों के संरक्षण और भरण पोषण के लिए सरकार ने कई कानूनों का प्रावधान किया है, जिन्हें लागू करने की जिम्मेदारी विभिन्न विभागों पर रहती है। इसी को लेकर शिमला के उपायुक्त आदित्य नेगी ने कहा कि बेसहारा बच्चों के संरक्षण के लिए सरकार ने अलग अलग कानून बनाए हैं और उन्हें लागू करना प्रशासन का दायित्व है। इसे लेकर मंगलवार को शिमला में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में अधिकारियों को बेसहारा बच्चों के संरक्षण के लिए बने कानूनों को सख्ती से लागू करने को कहा गया। हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर जैसे पुलिस विभाग है, लेबर विभाग है, शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, इन सारे विभागों को जो इनका कर्तव्य है, इनके प्रति जो हमारे जो बच्चे होते हैं, जो आपने देखा होगा कि सड़क पे भीख मांगते हैं या कुछ चीज़ें बेच रहे होते हैं, तो इस तरह के जो बच्चे हैं जो जिनको सरकार के संरक्षण की मदद की आवश्यकता है, उन बच्चों के जो के प्रति जो विभिन्न विभागों की जो जिम्मेदारी है और सरकार का जो इसमें दायित्व है, उन सारे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में इन लोगों को ब्रीफ करने के लिए आज हमने एक दिवसीय कार्यशाला यहाँ रखी है। और इसमें डिटेल्ड में जो है हमारे जो वेरियस लॉज हैं जो इसे डील करते हैं, जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है और हमारा जो चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट जो है उसके बारे में भी जो है वहाँ पे विस्तार से हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसके ऊपर। और इसमें सभी स्टेक होल्डर्स को जागरूक किया जा रहा है ताकि लॉज का जो इन्फोर्समेंट है वो अच्छी तरीके से हो और जो भी ऐसे बच्चे हैं जो इस तरह की सिचुएशन में हैं उनको प्रॉपर मदद दी जाए। इसको मद्देनजर रखते हुए शिमला के बचत भवन में महिला और बाल विकास विभाग शिमला द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बच्चों के अधिकारों और कानूनों के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में उपायुक्त शिमला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और कार्यशाला में अधिकारियों को बेसहारा बच्चों के संरक्षण के लिए बने कानूनों की विस्तृत जानकारी दी गई। आप पाए अपने हिमाचल की खबरें और न्यूज अपडेट्स व्हाट्सएप पर। लोकल लाइव हिमाचल का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर क्लिक करें। न्यूज़ अपडेट अपने व्हाट्सएप पर।